मध्य प्रदेश के सागर जिले की उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में उस वक्त दुकानों के बीच हड़कंप मच गया जब सागर मकरोनिया नरसिंहपुर रोड, सिविल लाइन रोड, बंडा रोड, झांसी रोड पर पुलिस प्रशासन अतिक्रमण कार्यवाही करने पहुंच गया। अतिक्रमण कार्यवाही में एसडीएम विजय डेहलिया, तहसीलदार नगर पालिका मकरोनिया एवं राजस्व विभाग शामिल था। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा। बता दें यहां स्थानीय लोगों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि मकरोनिया पर दुकानदारों ने टीन शेड लगाकर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण कर रखा है और सागर में चलने वाली स्मार्ट सिटी की बसें भी इस सड़क पर खड़ी रहती हैं, जिससे आए दिन ट्रैफिक व्यवस्था अनियंत्रित हो जाती है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी और उन्हें 2 दिन का समय दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन इस जगह बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण की कार्यवाही को अंजाम देगा। मकरोनिया जो चौराहा है उसमें चारों तरफ से अतिक्रमण थे, जिसके संबंध बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त हुई। इस संबंध में आज रोड के चारों रोडों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें हमारे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और हमारा नगर पालिका की टीम उपस्थित है। सर चेतावनी देगी सर? कुछ तो जगह चेतावनी, जहाँ पक्का निर्माण है उन्होंने शासकीय जमीन पे उसे रोड में कब्जा कर लिया, उनको चेतावनी देकर 2 दिन का समय दिया गया कि वो तत्काल उसको हटाएं, अन्यथा हम तोड़ दिया जाएगा। सर पंचपटी के नाला पे कब्जा किया है सर? वहीं स्मार्ट सिटी की बसों को स्थानीय प्रशासन ने जल्द ही स्थायी जगह मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। फिलहाल मकरोनिया में अतिक्रमण कार्रवाई करने पहुंचे प्रशासन को देख पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। मकरोनिया से जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज। आपके शहर सागर में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए जेसीबी, क्रेन, हाइड्रा, पोकलैन इत्यादि मशीनें किराए पर उपलब्ध। प्रथम ग्राहकों को 1500 रुपए तक की छूट। तो देर किस बात की, मशीनें चाहिए तो पायरेंट ऐप पर आइए।